डॉल्फिन के अहलकार हैं, जवान हैं, उनको लगी है गाड़ी। सर ये वाली गाड़ी थी, इस तरफ ये थे, इन्होंने एकदम ऐसे किया ना खुद को और अंगड़ाई लिया तो मेरे साथ हिट हो गया। मैं सरिये को मारता, मैं क्या करता हूँ? जो मार रहा था वो कौन है? वो खड़े हैं भाई, उन्होंने मुझे मारा है। आप इनको मार रहे हैं, वो ड्यूटी पे हैं। आप मेरा भाई है, अगर आपके साथ ये हादसा हो तो आप क्या करेंगे? मारना जो है ना, ये चीज तो नहीं है कि आप आम शहरी पे तशद्दुद करना शुरू कर दें। इन्होंने गालियां दी और अभी मैं हिट किया। नाके दे खलोते हो, जंगला लगा हो तो मेरा सेफ्टी रहती है। सारी बात है, जैसे नाके की 120 तो यही है। अब क्या कह रहे हैं जनाब? वो कह रहे हैं थाने चले, थाने चले। कोई तो आप पे तो शादी भी कर रहे हैं, मारे मार भी रहे हैं जनाब। ये फेस्टिवल रोज हुआ है, ये तो ट्रैफिक के लिए ही ना, यानी कि वो हम यूज़ कर सकते हैं वो लाइन। क्या ख्याल है? रिंग रोड पर मौजूद हूँ और ये अभी बाइक गाड़ी चला रहे थे भाई, और हमारे जो डॉल्फिन के अहलकार हैं, जवान हैं, उनको लगी है गाड़ी। और ये भाई हैं जो चला रहे थे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी। क्या हुआ, मार रहे थे आप? नहीं नहीं, वो बस इन्होंने मुझ पर ना वो किया। मैंने हालांकि बताया आगे सरिये वाली गाड़ी थी। हाँ। राइट साइड पे। हाँ। और सरिये वाली गाड़ी थी, इस तरफ ये थे, इन्होंने एकदम ऐसे किया ना खुद को। अच्छा। ऐसे अंगड़ाई ले रहे थे। हाँ, बिल्कुल ऐसे। और अंगड़ाई लिया तो मेरे साथ हिट हो गया। मैं सरिये को मारता, मैं क्या करता हूँ? जो मार रहा था वो कौन है? वो खड़े हैं भाई, उन्होंने मुझे मारा अभी। उन्होंने मारा? हाँ, मुझे पता नहीं क्यों। वो अननोन बंदे? हाँ, मैं नहीं जानता। ये भाई मार रहे थे जनाब, हमारे ये शहरी हैं और ये भाई मार रहे थे इनको। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। कैसे हैं मुनीब भाई? अरे शुक्र अल्लाह, ठीक है आप? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या मैटर हो गया था? कुछ नहीं, कंफ्यूजन सी हो गई थी। अच्छा। थोड़ा सा मिसअप हो गया तो भाई को गाड़ी लगी है। हाँ। गाड़ी भी स्पीड में थी। अच्छा। तो उनकी भी गलती है थोड़ी सी, और थोड़ी सी साइड लग गई उनकी गाड़ी की। मसला कोई नहीं, अल्लाह खैर करेगा, बचत हो गई है। वो भाई क्यों मार रहे थे उनको? ये भाई क्यों मार रहे थे? ये कौन है? आपके जवान है ये? नहीं नहीं, मारे ये। ये मार क्यों रहे थे? आप कौन है? ये भाई कौन है? अस्सलाम, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कैसे हो आप? जी सर शुक्र। आप इनको मार रहे हैं, वो ड्यूटी पे हैं। आप मेरा भाई है, भाई है मेरा। जरा दो मिनट रुके यार। तो है, लेकिन आप उनको मार रहे हैं, ये अच्छी चीज़। मैं नीचे दे गया, नीचे दे गया, मर जाते फिर ठीक था। आप भजन, आप हमारे मुहाफिज हैं, आप हमारे मुहाफिज हैं। ब्रेक लगाई है वो यहीं पे थे, लेकिन वो भाई उनको मारना शुरू कर दिया। मुनीब भाई अच्छी बात नहीं, अच्छी बात तो नहीं है, लेकिन हमने उनको, आप ड्यूटी पे आप हैं, लेकिन वो भाई मिडल मैन के तौर पर आए हैं और उनको टारगेट करना। नहीं मेरा भाई है, बड़ा बड़ा भाई है मेरा यार। लेकिन ये है कि आप उस तहमुल से बात करें ना, आप उनको मारना शुरू कर, अगर आपके साथ ये हादसा हो तो आप क्या करेंगे? लेकिन देखें ना कि वो मिस्टेक, साइड पे खड़ा, अपनी ड्यूटी पे खड़ा, वो आगे बीच मार रहा गाड़ी क्यों? हम पीछे से आ रहे हैं। वो फर्स्ट लाइन के अंदर भाई खड़े हुए थे, वो हमारे मुहाफिज हैं, हम उनके अगेंस्ट या उनको डिफेंड नहीं कर रहे, ठीक है। लेकिन बात ये है कि मारना जो है ना, ये चीज़ तो नहीं है कि आप आम शहरी पे तशद्दुद करना शुरू कर दें, तो ये अच्छी चीज़ तो नहीं है। आपको मारा जनाब इन्होंने? जी। क्या कहा उन्होंने आपको? कुछ नहीं, बस इन्होंने गालियाँ दी और अभी मैं हिट किया, सबके सामने किया। मैं मतलब बेवकूफ़ तो नहीं, मैं इनको जान के हिट करूँगा, मारूंगा, मतलब कि मैं तो उधर से सरिये की गाड़ी। ये नाज़िम ये देखिए ज़रा, ये फर्स्ट लाइन है, और ये फर्स्ट लाइन है, और ज़ाहरी बात है अगर आप फर्स्ट लाइन पर आके यहाँ पर खड़े होंगे तो ज़ाहरी बात है रोड है, चल रहा है, कम अज़ कम ये लाइन जो है ना, यानी कि हम यूज़ करें, ये लाइन का इस्तेमाल करना हमारा फ़र्ज बनता है। लेकिन वो भाई इस लाइन पर थे और जनाब गाड़ी हिट की है, और वो आगे गाड़ी खड़ी हुई है उनकी बाइक की। बहुत ज़्यादा तो नहीं लगी? बहुत ज़्यादा शदीद दर्द हो रही है मेरा, ये पाँव फ्रैक्चर हो गया। फ्रैक्चर हो गया? बहुत ज़्यादा, पाँव नीचे ही नहीं लग रहा प्यारे भाई। लेकिन आप वो फर्स्ट लाइन पे खड़े हुए थे तो फर्स्ट लाइन? अरे भाई हमारी ड्यूटी है, स्नैप चेकिंग कर रहे थे, मेरी जान ही, इन्होंने ओवरटेकिंग बहुत ज़्यादा शिद्दत से किया, मैं बड़ा ज़बरदस्त गिरा हूँ। ये खुद देखा है, हम पीछे थे, पीछे थे ना, हम पीछे, आपने भी देखा होगा, ये भाई मौके पे थे, ये भी मौके पे थे, तकरीबन पांच छह लोग मौके पे थे, हम चेक कर रहे थे उन्होंने। अच्छा। वो उन्होंने जो ओवरटेक किया वो गलत किया ना मेरे भाई, अभी देखे ना, उन्होंने निचली लाइन पे आए हैं, वो उनको चाहिए था आप अपनी राइट साइड पर, अपनी लेफ्ट साइड पे आए, ये नीचे आए ओवरटेक करने के लिए, इनको पता भी नाका लगा हमारा जो आगे खड़ा हुआ है, वो बाइकों इशारा कर साइड पे हो जाए, यानी हम निचली लाइन पे अपने स्नैच चेकिंग करें जो है, लेकिन वो आए, वो स्पीड पर मैंने 80 से प्लस थी ना। बिल्कुल जी, ये जंगला जुंगला लोहे का लगा हो ना अगे, नाके दे खलोते हो, जंगला लगा हो तो मेरा सेफ्टी रहती है। सारी बात है, जैसे नाके की 120 तो यही है कि जब आप नाके पे खड़े हो तो IG पंजाब और CCP लाहौर की जानब से जो हदायत की गई है कि आप जब नाकाबंदी कर रहे होते हैं
तो उस पर सब इंस्पेक्टर या एएसआई का लाजमी होना वहाँ पे मौजूद है। हमारी जो एसओपी है डॉल्फिन, हमारे एसपी साहब जो डॉल्फिन है उन्होंने हमें हदायत जारी की हुई है, मन नकल लगा चेक कर सकते हैं। आप ऐसे स्ट्रीट क्राइम क्यों नहीं रोकते? वो भी हमारा काम है, लेकिन एसपी साहब की तरफ से भी हुक्म मिले हैं। जी जी ये सुबह साहब के हुक्म से हम ये स्नैचिंग जो है। जी जी ये हालात हैं जी। अब ये भाई जो है ना, यानी कि वो कह रहे हैं जी इनको थाने लेके जाएंगे और उसके बाद जो है ना वहाँ पे जाके अब गाड़ी का जो ये गाड़ी का जनाब नुकसान हुआ है कोई आपका? जनाब नुकसान हो गया, देख लें आगे। अब क्या कह रहे हैं जनाब? वो कह रहे हैं थाने चले, थाने चले। तो आप पे तो शक नहीं कर रहे हैं, मारे मार भी रहे हैं जनाब भाई, ये थाने क्यों जाएंगे? थाने जाएंगे, हमारे जवान का एक्सीडेंट हुआ है, उसको चोट लगी है, इसके पास लाइसेंस नहीं है, ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है। बिल्कुल ड्राइविंग लाइसेंस वो नुकसान भी उनका यार, वो नुकसान नीचे दे दिया है उसने। आपने आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है? सॉरी अभी वो मेरा बना हुआ है तो उसकी डेट ख़त्म हो गई थी, मैंने दोबारा रिन्यूअल करवाना है। ये गाड़ी है जनाब इनकी, और कैसे जनाब बताएं जरा, वो कह रहे हैं ओवरटेक किया सर, मैं तो साइड पे बैठा हूँ, वो बहुत गाड़ी चला रहे हैं रेडी वाला, तो फर्स्ट लाइन में आके खड़े हुए थे ना जवान, उनका भी काम बनता है, बैरियर लगा रहे हैं, अपनी चेकिंग में थे। ठीक है, वो एक रेडी वाला गुजर रहा है, उसने ना सरिया लोड किया हुआ है, हम सरिये को बचाते बचाते मतलब के साथ लगे हैं, वो भाई ऐसे पीछे को करवट लिया उन्होंने, वो तो तशद्दुद भी कर रहे थे, वो मिडिल मैन के तौर पे बंदा आया उसने, ये दो वो जो भाई है ना उन्होंने हमें शिद्दत भी की है, गालियाँ भी दी है, उसने मारा भी है। हाँ नाजिन वो जो भाई हैं उन्होंने इन पर मारा भी है, अब ज़ाहरी बात है अब ये तो सरासर बदमाशी है कि आप वर्दी की आड़ में जो है ना, यानी कि आप जो आम शहरी हैं उनको बदमाशी दिखा रहे हैं। मज़र भाई क्या सुनकर होगी जनाब? सूरतला भाई आपके सामने ही है जी, अब वो माजरत कर रहे हैं लेकिन वो कह रही मेरी गलती नहीं थी, मैं अपनी लाइन में ही आ रहा था। तो सर आपके सामने है, हम भी ड्यूटी कर रहे थे तो आपके सामने उन्होंने हिट किया है और जवान को काफ़ी साठ मतलब चोट लगी है। वो देखिए ना, वो अपनी लाइन में फर्स्ट लाइन के अंदर ही आ रहा था, ये फर्स्ट रो जो है ये तो ट्रैफिक के लिए ही ना, यानी कि वो हम यूज़ कर सकते हैं वो लाइन, क्या ख्याल है? हम तो वो लाइन यूज़ करेंगे ना, ये तो ट्रैफिक के लिए है, अब यहाँ पे अगर हम खड़े हो गए आगे खड़े हो जाएंगे तो फिर डेफिनेटली यानी कि वो हमें हिट करेगा। आप भाई बैठे ना गाड़ी में, आप बैठे, ये लाइन ट्रैफिक के लिए है, अगर हमने नाकाबंदी करनी भी है तो कम से कम हम इधर खड़े हो जाएं, आप इधर खड़े हो जाएं, अगर हम आगे इस लाइन के अंदर खड़े हो जाएंगे और पीछे से अब गाड़ी कोई आ रही है और टक्कर कर रही है तो बाद में हम कहें जी हमें टक्कर मार दी उन्होंने, तो ये फिर ज्यादती है, बात कर लेते हैं जनाब उनसे कि अब कोई। अच्छा भाई जान बात इधर देखो, वो बंदा ड्यूटी पे भी नहीं है जिसको हिट हुई है, ड्यूटी पे भी नहीं है। मुनीब भाई अभी इनको कोई रिलीफ मिल सकता है जनाब? रिलीफ है, रिलीफ है भाई मेरे। वो देखिए ना कि अब आप एक बात बता दें कि जब हम इस लाइन में खड़े होंगे, ये फर्स्ट रो है जी, अगर हम यहाँ पे खड़े हो जाएंगे तो गाड़ी आ रही है हिट कर रही है तो उसमें हमारी मिस्टेक हो सकती है कि नहीं? भाई ये देखे ना, जो ओवरटेक करता हूँ हमेशा उनका जो ओवरटेक करने का तरीका वो राइट साइड पे है, वो देखिए तीसरी लाइन में आ रहे हैं, ओवरटेक करना वो अपने राइट साइड पे कर। अभी अभी भाई से बात कर लेते हैं, जख्मी में है भाई। जी भाई जी प्यारे भाई क्या इशू है? कह रहा हूँ कि आप उनको कोई रिलीफ दे दें, मेरी जान थाने जाते हैं हादसे में, बिल्कुल देंगे आप बेफिक्र, आप हमारे भाई हैं, कोई ऐसा इशू नहीं, ठीक है थाने जा कर रिलीज करते हैं। ठीक है थाने जा कर रिलीज देंगे। ज़ाहर भाई अब हमारा एक्सीडेंट हुआ है मेन रोड पे, उन्होंने हिट किया है, आप मुझे आपकी समझ नहीं आ रही। चलें जी ठीक है जी, हम कार्य सरकार के अंदर मुदाखलत नहीं करेंगे, आप देखेंगे ये हालात हैं जी। भाई यहाँ पर ये फर्स्ट लाइन में खड़े हुए थे और ये नाकाबंदी की हुई थी इन्होंने, हालांकि नाके के जो SOPs हैं IG पंजाब और CCPO लाहौर की जानब से वो ये हैं कि जब आप नाकाबंदी कर रहे हो तो आपके साथ सब इंस्पेक्टर मौजूद हो, बैरियर लगाओ तो फिर आप नाकाबंदी कर सकते हैं। अब वो जनाब भाई हैं नहीं मान रहे, जाहिर बात है वर्दी की एक रोप होता है, एक अकड़ होती है, तो उसका बस नजायज़ फ़ायदा है, अब शहरी को परेशान किया जा रहा है, थाने लेके जाएंगे बेचारे पे FIR दे देंगे, यही होगा और क्या होगा। बाकी नाजी कमेंट सेक्शन में अपनी राय से थोड़ा कहा कीजिएगा, अपने मेज़बान नई बट्टी को दीजिए इजाज़त और देखते रहिए देखो TV।